बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और आज की वीडियो अपने लाजमी देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे इस ब्रांड न्यू 13 मरला हाउस का। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 मरला पे हुई हुई है, 35x70 की डायमेंशन है। बट घर के बैक साइड पे एक्स्ट्रा लैंड है, ऑलमोस्ट 2 से 3 मरला का एक्स्ट्रा लैंड है, तो उसको अगर हम कवर करते हैं तो ओवरऑल घर का साइज़ बन जाता है 13 मरला, लेकिन कंस्ट्रक्शन 10 मरला पे है। तो घर का भी ज़बरदस्त बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। स्पेशली व्यूअर्स, घर का जो इंटीरियर है वो बहुत अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन पे कम्प्लीटली हमारे पास रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ हुआ है, लाइटिंग कम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट देखनी है, और इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। सो अब चलते हैं, विजिट कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कार रैंप है, जिस पे कम्प्लीटली टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी बड़ा कार रैंप है। और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल इसका गेट का डिज़ाइन, ये आप देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी यूनिक और काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका गेट डिज़ाइन किया गया है। ये फुल मेटालिक गेट है, इसके साथ साथ हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास का कम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल एरिया में है, बाकी भी जो एरिया है इसमें भी टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है। ये गेट हमारे पास कम्प्लीटली स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, और साथ हमारे पास इसका ओपनेबल डोर भी है। हमारे पास इसका लॉन अवेलेबल है, फुल डेवलप्ड है, फुल डेकोरेटेड है, फुल रेडी है। इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज मीटर है, और गैस की डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड है। तो उसके बाद हम मूव करेंगे घर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा ये कारपोर्च, और आप देख लें कि कारपोर्च कितना ज़बरदस्त तरीके से, कितने अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको डेकोरेट भी किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की, तो कंप्लीट फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल हुआ हुआ है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है, और कार पार्किंग कैपेसिटी 3 बड़ी गाड़ियां तो इजीली आराम से पार्क हो सकती है यहाँ पे। इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। बाकी आप एलिवेशन को क्लोजली देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। दोबारा से चलते हैं मेन पोर्च की तरफ, और आपको सबसे पहले मैं एंट्रेंस के बारे में गाइड करता चलूँ कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है, ये हमारी एक्सेस है अपर पोर्शन की, और ये हमारी एक्सेस है ड्राइंग रूम की। दोनों पोर्शन की एक्सेस बिल्कुल सेपरेट है, आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को इजीली रेंट आउट भी कर सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइनिंग, सीलिंग डेकोरेशन सिंपल एंड यूनिक। पहले हम साइड गली को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो डोर आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड है किचन के साथ, 2 टैप्स भी हैं, और मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ बैक साइड की तरफ, और आपको मैं इसका एक्स्ट्रा लैंड का भी व्यू करवा देता हूँ। तो हम आ चुके हैं इसके बैक साइड पे, ये आप देख लें गीज़र के पॉइंट्स भी हैं, टैप्स भी हैं, और यहाँ पे अगर आप लगाते हैं स्पाइरल स्टेयर्स तो एक्सेस बिल्कुल छत पे होगी, कोई भी सर्वेंट या मेड आएगा तो एक्सेस बिल्कुल सेपरेट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है जिसका एक्स्ट्रा लैंड, ये आप देख सकते हैं एक्सेस दी गई है। मैं आपको फुल इसका व्यू करवा देता हूँ और छत से भी दिखा दूँगा आपको, ये आप देख लें, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा लैंड है। टेम्प्रेरी यहाँ पे, टेम्प्रेरी चाहें या आप परमानेंटली चाहें, यहाँ पे आप वो ग्रिल लगा के इसको क्लोज़ कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ यहाँ से एक्स्ट्रा समय मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। एक तो ख़ास बात ये है कि घर के बैक साइड पर कोई घर नहीं है, प्राइवेसी का मसला नहीं है, सेफ्टी का मसला नहीं है, और इसके अलावा ओवरऑल जो वेंटिलेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और व्यू आपको सबसे ज़बरदस्त मिलेगा। साथ साथ आप बैक साइड पे अपनी फैमिली के लिए कुछ सीटिंग कर सकते हैं, कुछ छोटा सा लॉन बना सकते हैं और डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अगेन हम आ चुके हैं इसके कारपोर्ट एरिया में। डोर डिज़ाइन देख लें आप, डबल डोर है, हाइटेड डोर और हैवी डोर है। सेम डोर डिज़ाइन हमारे पास ड्राइंग रूम का भी है, और सेम डोर डिज़ाइन हमारे पास अपर पोर्शन का भी है। तो चलते हैं घर के अंदर। तो हमारे पास आ जाता है छोटा सा एक लॉबी एरिया। अब यहाँ से हमें एक्सेस मिल रही है अपर पोर्शन की। अगर आप इसको पोर्शन में रेंट आउट करना चाहते हैं तो पार्टीशनिंग ऑलरेडी हुई हुई है, बस सिंपली आपने शीट लगानी है। यहाँ से हमें एक्सेस मिल रही है मेन लिविंग एरिया की तरफ। अंडर द स्टेयर्स हमारे पास एक पाउडर वॉशरूम है, जो कि काफ़ी अच्छे साइज के साथ अवेलेबल है, कमोड भी पोटा का है। तो ये आ गया जी हमारे पास हमारा फर्स्ट टीवी लाउंज, यानी कि फर्स्ट लिविंग एरिया। काफ़ी अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है, और लाइटिंग कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन, ओवरऑल डिज़ाइनिंग काफ़ी सुपर्ब है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। सामने निश डिज़ाइन है,
ये आप देख लें GFC कंपनी के सीलिंग फैन यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। शैंडलियर काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और ये है जिसकी टाइल फ्लोरिंग, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल हुआ है थ्रू आउट द होल फ्लोर और स्कॉटिंग मैचिंग में है। ड्राइंग रूम की पार्टिशनिंग हुई हुई है, तो ये आप देख लें जी ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि लाइट्स सारी की सारी ऑफ हैं, लेकिन फिर भी सनलाइट इतनी है कि काफ़ी अच्छी इसमें रोशनी मिल जाती है। ये आप देख लें सामने वॉल पे डिज़ाइनिंग है, फैंसी वॉलपेपर है, सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। तो अगेन हम आ चुके हैं लिविंग एरिया में, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज हुई हुई है। आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली आप सबको हर एंगल से दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा मेन LED पॉइंट है, वुडन वर्क काफ़ी ज़बरदस्त है, सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये आपके नंबर पे एक्टिवेट होता है। और इसी के साथ हमारे पास आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि इस काफ़ी ज़बरदस्त और एक मास्टर साइज बेडरूम है। फुली हाइटेड वार्डरोब्स हैं हमारे पास, डबल निशेज हैं और बैक साइड वेंटिलेशन विंडो है। ये जी इसका अटैच वॉशरूम, काफ़ी बड़ा स्लैब है इसका। और कमोड देख लें, बाकी टाइलिंग पैटर्न फुल ऊपर तक अटैच है और वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शन हैं। जो हम ये बेडरूम विजिट करते हैं और यहाँ से हम एग्जिट करके इस तरफ आते हैं, तो सेकंड बेडरूम, ये भी अगेन एक अच्छे साइज का बेडरूम है। सनलाइट माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आ रही है, वॉल पे डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, फुली हाइटेड वार्डरोब्स हैं, अटैच वॉशरूम, पॉटर की फिटिंग इस्तेमाल हुई हुई है, टाइलिंग पैटर्न अगेन काफ़ी ज़बरदस्त है, फुली ऊपर तक अटैच है। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो, ये जी किचन हमारे पास आ गया, इसका फर्स्ट किचन है, ओपन किचन है और अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। हमारे पास यहाँ पे बसारी कंपनी की अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड हैं और वो डोर कनेक्टेड है साइड गली के साथ। बाकी आप देख लें किचन काफ़ी स्पेशियस है और अमेरिकन डिज़ाइन मास्टर साइज किचन है। बाकी किचन में हमारे पास क्रॉकरी के लिए भी एसेसरीज अवेलेबल हैं। सो, अब मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ, एक्सेस यहाँ से जा रही है। बेसिकली ये 2+3 का यूनिट है, 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में हैं एंड 3 बेडरूम्स हमारे पास अपर पोर्शन में अवेलेबल हैं। तो हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। पहले आपके साथ मैं एक क्विक ओवरव्यू शेयर करता चलूँ कि इन स्टेज के थ्रू अभी ऊपर आए हैं हम, यहाँ से एक्सेस छत की तरफ जा रही है। सो हेयर वी हैव द सेकेंड लिविंग एरिया। स्पेस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है, लाउंज के ऊपर लाउंज है, किचन के ऊपर किचन है, बेडरूम्स के ऊपर बेडरूम्स हैं, बट ओवरऑल डिज़ाइनिंग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये अगेन आप देख लें मास्टर साइज किचन है और हमारे पास यहाँ पे गोल्डन फूजी कंपनी का स्टोव इंस्टॉल्ड है, वॉल पे फैंसी टाइलिंग है। ये हमारा आ गया जी डिश वॉशिंग एरिया और इस तरफ हमारा कुकिंग एरिया। बाकी ये कैबिनेट्स अवेलेबल हैं, अगेन सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, लोकेलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत पीसफुल और सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है। बेडरूम, आउटस्टैंडिंग बेडरूम, वार्डरोब्स फुली हाइटेड, सनलाइट देख लें, वॉल निशेज आप देख सकते हैं, सेफ्टी ग्रिल है साथ वेंटिलेशन पर्पस के विंडो के साथ साथ। वॉशरूम में जितनी भी टाइलिंग हुई हुई है वो फुली हाइटेड है, हर रूम्स के प्रॉपर सेपरेट हमारे पास गैस पॉइंट हैं और AC के पॉइंट दिए गए हैं। ये आप देख लीजिए हमारे पास सेकंड रूम आ गया और अच्छी अकोमोडेशन के साथ है। आपको छोटा सा मैं एक व्यू करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे एक्स्ट्रा लैंड है, बाकी हाइट पे घर है हमारा और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। अटैच बाथरूम, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइलिंग जो है वो फुली हाइटेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पे वॉल निश है और फैंसी वॉलपेपर के साथ साथ LED लाइट्स आप देख लें। ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग है, शैंडलियर माशाल्लाह से दोनों जो हैं वो काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो ये आ गया जी हमारे पास इस घर का लास्ट एंड 5th बेडरूम। ये भी अच्छी डेकोरेशन के साथ है, अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ है, डिसेंट किस्म की डेकोरेशन है इसकी,
फुली हाइटेड वार्डरोब्स हैं। और इस तरफ हमारे पास अगेन इसका वॉशरूम, अब इसका वॉशरूम का साइज काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। बाकी जो टेरेस की जो एक्सेस जा रही है वो यहाँ से है, ये आप देख सकते हैं टेरेस एरिया, टैप्स भी है और टाइलिंग भी है। फर्दर हम मूव करेंगे छत की तरफ, तो छत पे नॉर्मली हर घर में हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर होता है अटैच बाथ के साथ, तो ऑब्वियसली इस घर में भी है। छत का डोर है मेटालिक डोर, एंड व्यूअर्स हम आ चुके हैं छत पे यानी कि रूफ टॉप पे। पहले आप देख लें कि पूरी छत पे सनीग्रेन मार्बल की फ्लोरिंग है और ये पानी की टंकी। तो पहले तो आपको मैं एक्स्ट्रा लैंड दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर इसका आइडिया हो जाए। ये आप देख लें, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा लैंड इस घर के साथ है। बैक पे कोई घर नहीं है, सारे घर थोड़े से नीचे हैं, हमारा जो घर है वो हाइट पे, तो काफ़ी अच्छा इसका व्यू आ रहा है। सर्वेंट रूम, फैन, वॉशरूम। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ मैं तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारा इस 12 मरला हाउस का विजिट कंप्लीट हो गया है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये 10 मरला का हाउस है और 2 मरला इसका एक्स्ट्रा लैंड बैक साइड पे अवेलेबल है। बेसिकली 35x70 इसकी डायमेंशंस हैं, 2 स्टडेड ओपन हाउस है, साइड पे गली भी दी गई है। लाइक आई सेड कि 10 मरला पे कंस्ट्रक्शन हुई भी है और तकरीबन 2-3 मरला बैक साइड पे एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल है, तो ओवरऑल आप इसको 12 या 13 मरला हाउस कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आउटस्टैंडिंग किस्म की है, स्पेशली करके जो इंटीरियर है वो बहुत अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फुल 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम, एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे भी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। इसका की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 3.70 करोड़ रुपीज़, 3.70 करोड़ रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा, अल्लाह।